बिना कोई भी केस हो तो प्लीज मुझे फोन मत करना, आज मैं बहुत थक गया हूं, सोना चाहता हूं। कल सुबह क्लिनिक आकर पेशेंट्स को देख लूंगा, ठीक है? लेकिन लेकिन डॉक्टर, अगर कोई केस बहुत सीरियस हो तो? हाँ, तो आपको आना पड़ेगा ना। नहीं रीना, देखो मैं क्या, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, तुम ऐसे क्या हो गया तुम्हें? सबसे पहले इस फोन को हम दोनों से दूर। मुझे तुम्हारा फोन बिना मेरी सौतन बन गया। हेलो दीदी, दीदी जरा डॉक्टर साहब को दीजिए ना, एक इमरजेंसी केस है। एक मिनट। कौन है? रीना का फोन। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, इधर एक इमरजेंसी केस है, जल्दी से चले आइए वरना। ओके, मैं आता हूँ। बेटर। नहीं, तुम्हें जाने नहीं दूंगी निशा। प्लीज निशान, प्लीज। सुरेखा, इमरजेंसी है। नहीं प्लीज, तुम बाद में चले जाना मेरे लिए। ये किसी पेशेंट की जिंदगी का सवाल है। मैं जल्दी आ जाऊंगा, प्रॉमिस। निशान, ना क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ना कॉल मत करना। क्या इमरजेंसी आ गई थी? इमरजेंसी? क्या पागल बनी है? 6 महीने से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे कि तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स दे रहे और मुझसे शादी करोगे। अब तुम तलाक दे रहे हो या नहीं? हाँ हाँ, दे रहा हूँ डिवोर्स, दूर करो इसे। दे रहे हो ना? ठीक है, ये लो डिवोर्स पेपर्स, साइन करो, साइन करो और अपना सच साबित करो। तुम्हें क्या लगता है, मेरे साइन कर देने से तलाक हो जाएगा? मेरी बीवी कभी साइन नहीं करेगी। Really? इस दुनिया में ना कुछ भी असंभव नहीं है डॉक्टर साहब। रीना, तुम यहां पर सामान लेके सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है दीदी। मानसी, यश को अपने कमरे में ले जा। यश, क्या हुआ रीना? मैं अपनी दीदी के यहाँ रहती थी, लेकिन अब मैं वहां नहीं रह सकती। क्यों? वो मेरे जीजा जी, उनकी नियत हमेशा से ही खराब थी मुझ पर, लेकिन कल रात उन्होंने इतनी गंदी हरकत करने की कोशिश की कि मुझे वहां से भागना पड़ा। दीदी, क्या मैं कुछ दिन के लिए अपना सामान आपके घर रख सकती हूँ? हाँ रीना, तुम सामान यहाँ पर रख सकती हो, पर तुम रहोगी कहाँ पर? तो जब तक मुझे और कोई घर नहीं मिल जाता, मैं क्लिनिक में ही सो जाऊंगी। नहीं नहीं रीना, हमारे होते हुए तुम्हें क्लिनिक में सोने की कोई भी जरूरत नहीं। जब तक तुम्हें दूसरी जगह नहीं मिल जाती, मानसी के कमरे में रह सकती है। अरे नहीं नहीं दीदी, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगता। नहीं रीना, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं,
मैं नहीं समझा दूंगी, इसे बस अपना ही घर समझो। रीना तुम यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। रीना तुम मानसी के कमरे में जाओ। तो हो जाने देते, मैं तो तुम्हारे साथ लड़ने को भी तैयार हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सामान उठाया और घर चले आए, रेखा को शक हो जाएगा तो? प्लीज रहने दो ना, 10-12 दिन की तो बात है, मैं प्रॉमिस करती हूँ हाँ कि मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे सुरेखा को शक हो। हाँ लेकिन अगर तुमने मुझे भगाने की कोशिश की ना तो फिर मैं ऐसा कुछ करूंगी उसे शक नहीं पूरा यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे और मेरे बीच चक्कर चल रहे, समझे? इसीलिए मुझे चुपचाप अपने घर में रहने दो। और वैसे भी तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है ना जानू। अवैध रिश्ते की एक चिंगारी पूरे घर की सुख शांति को आग लगा देती है। एक दूसरे का हाथ थामने वाले पति पत्नी अगर एक दूसरे का विश्वास नहीं थामेंगे तो हंसता खेलता परिवार कब तबाह हो जाएगा कोई नहीं जानता। डॉक्टर निशांत का घर भी तबाही के कगार पर है, पत्नी के साथ विश्वासघात का गंभीर नतीजा सामने आ रहा है। रीना ने बहुत तेजी से निशांत को अपने चंगुल में जकड़ा, उसकी पकड़ मजबूत हो रही है और निशांत मजबूर है। तुम रेखा जग जाएगी। चुप जाओ चुप जाओ। एक साल से अपने आप से दूर रखा है तो तकिए से लिपट कर सोने की आदत लग गई है। रीना तुम यहां पे क्या कर रही हो? दीदी इसमें डॉक्टर साहब की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा है। वो मुझे ना उस कमरे में बहुत डर लग रहा था तो मैं यहाँ आ गई। मैं ना आपके पास सो रही थी कसम से, लेकिन नींद में मैं कैसे डॉक्टर साहब के पास आ गई मुझे कुछ नहीं पता। बेवकूफ समझ के रखा है क्या? कुछ भी सुनाओगी कुछ भी कहोगी तो मैं मान जाऊंगी क्या? निशांत क्या बकवास कर रही है? हाँ जब बेवकूफों जैसा सवाल करोगी तो बेवकूफ ही समझूंगी ना। जब एक जवान लड़की एक आदमी के साथ उसके बेडरूम में उसकी पत्नी के होते हुए उससे लिपट कर सो रही हो तो उसका मतलब क्या होता है?
एक समझदार औरत को तो ये समझ ही जाना चाहिए कि वो उसकी होने वाली सौतन है। आपने एक साल के लिए डॉक्टर साहब को अपने आप से दूर किया था ना, हम करीब आ गए। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे ना कि आपकी पत्नी डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं करेगी, अब कर लेगी। निशांत, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? मैं कहती हूँ क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? रेखा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उसकी चाल है, वो झूठ बोल रही है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तो कुछ भी नहीं है। दीदी, क्या हुआ दीदी, क्यों रो रही हो? तुम्हारी दीदी को लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है। तुम भी बताओ, मैं किसी को धोखा दे सकता हूँ क्या? पर जीजू, क्या हुआ है? से कुछ गलत फहमी हो गई। बहुत हो गया, अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। तू जाके यश को उठा। यश, यश सो रहा है, आप समझो ना दीदी। सुरेखा, तुम तो मुझे जानती हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? मैं मानता हूँ मुझसे एक बार गलती हो गई, पर मैंने उस रीना से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की। मैं उसे काम से भी निकालना चाहता था, पर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी, मुझे झूठे केस में फंसा कर जेल भिजवा देगी। मैं फंस गया हूँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। दीदी, एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखो। पहले वो रीना झूठ बोलकर इस घर में आई, और फिर उसे जो करना था उसने किया, और फिर अपना सामान पैक करके चली गई। दीदी समझो, वो यही चाहती थी कि तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ। चीजों की कोई गलती नहीं है दीदी, चीजों को फंसा रही है दीदी। थैंक यू मानसी, तुमने मेरा घर टूटने से बचा लिया, थैंक यू। मैंने कहा था ना कि मैं सारा काम कर दूंगी, तुम फालतू में ही टेंशन ले रहे थे। हाँ बेबी, तुमने तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। सुरेखा को अब हम अपने रास्ते से हटा सकते हैं, पर हम देर क्यों कर रहे हैं? चलो शादी कर लेते हैं। ये देखो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। ये मंगलसूत्र, ये फूल, और पीछे वाली सीट पे सुहागरात, और ये सिंदूर। ये क्या कर रहे हो? ऐसे होगी हमारी शादी? तो और कैसे होगी? क्या मतलब है तुम्हारा? बस यही एक कार है मेरे नाम पे। हा? वो घर तो वो सुरेखा के नाम पे है ना, और वो क्लिनिक भी। सारी प्रॉपर्टी ससुर की है, जो उसने अपनी बेटी के नाम पे कर रखी है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ये कार है और बहुत सारा प्यार है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ जानू, सच्चा प्यार परीक्षा लेता है ना। अरे भाड़ में गया तुम्हारी परीक्षा। हाँ, मैं ऐसे नहीं रह सकती। बेबी, तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती। मैं डॉक्टर निशान से प्यार करती हूँ, जिसके पास अपना खुद का क्लिनिक है, खुद का घर है, किसी झोला छाप से नहीं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, अपनी जिंदगी खराब कर दी मैंने। अब ठीक भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। बहुत ही मन दिखाई तुमने मेरे घर पर आकर, अब एक और ही मन दिखाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। मानसी, तू अंदर जा।
रेखा तुम समझ नहीं रही हो। क्या लेगी वो लड़की तुम्हारा पीछा छोड़ने का? वो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है। कितने पैसे चाहिए? 5 लाख। ठीक है, मैं दूंगी उसे 5 लाख, जाकर उसके मुंह पर फेंक दे। लेकिन याद है, आज के बाद वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आनी चाहिए। सुना तुमने? अभी भी पानी निकल रहा है बाहर। अरे क्या कर रहे हो? मत करो इसे। अब समझ में आया कि आपको कोई काम क्यों नहीं देता? जरा सा पाइप ठीक करने के लिए का? पाइप ठीक करना तो छोड़ो, मुझे और भी को दिया। अरे ये भी तो सोचो कि ऊपर वाले ने कितना हुनर दिया है हाथों को। एक तीर से 2 शिकार कर दिए, एक से पाइप बना दिया और दूसरा तुम्हें भिगो के मूड बना। ज्यादा मूड बनाने के चक्कर में मत रहो जीजा जी। दीदी घर पे ही है, अगर उनका मूड बिगड़ गया ना तो फिर आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा। अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी दीदी से 10 बार क्या, 50 बार पिट सकता हूँ। ये सब सोचना बंद करो और थोड़ा पैसे कमाने की सोचो, और फिर देखना कि कैसे मुझ जैसी लाखों लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अरे वही तो सोच रहा हूँ कि पैसा कमाया कैसे जाए। अब मेरे पास में एक तरकीब है, 10 मिनट का काम और लाखों का इनाम। वो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं। कितने पैसे चाहिए? 5 लाख। मैं दूंगी उसे 5 लाख। सच? ये 2 लाख है, 2 लाख कचरा साफ हो जाने के बाद। हाँ कचरा, सुबह 5 बजे मैं किचन की नाली में कचरा डाल दूंगा और सिंक में पानी जमा होने लगेगा। सुबह 9 बजे मैं क्लिनिक के लिए निकल जाऊंगा, तुम 9:40 पे आ जाना और हाँ 10 बजे मानसी के आने से पहले काम खत्म कर लेना। मैम साहब, आपको वो साहब ने भेजा ना आपके किचन का पाइप खराब है वो ठीक करने के लिए। ओ, हाँ हाँ, आप मेरे साथ अंदर आइए। देखिए भैया, यही नल खराब है। तो पुराना कपड़ा मिलेगा? अब हाँ भैया। अब भैया ये कपड़ा चलेगा? हाँ चलेगा। ठीक है भैया, आप काम करिए, मैं अभी आती हूँ। आप बोले थे ना आज मुझे तनख्वाह मिलेगी, मेरा सारा काम तो हो गया है। अब मैं भूल ही गई थी, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। कमला किलो पैसे जी, और कल टाइम से आ जाओ। ठीक है। भैया और कितना टाइम लगेगा? अरे मैम साहब, वो पाइप में कचरा बहुत फंसा है।
अभी इसके कपड़े चेंज करवाती हूँ, तू जाके देख प्लम्बर ने काम किया है या नहीं। भैया कितनी देर लगेगी और? थोड़ा टाइम लगेगा। देखो मैं चला दूंगी, देखो देखो ऐसा मत करो, क्या कर रहे हो? हो गया काम? काम तो हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन जिस काम के आप मुझे 4 लाख दे रहे थे ना, अब उसके 8 लाख लगे। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। तुमने बोला था कि तुम्हारी पत्नी घर पे अकेली होगी, उसको मारना। हाँ, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी साली भी घर पे होगी। मानसी, क्या किया तुमने मेरी बहन को? मैं पूछ क्या किया? मैं अभी अपने पति को फोन करती हूँ। तो मुझे उसको भी मारना पड़ा। पागल हो गए तुम? मानसी को मारने की क्या जरूरत थी? अरे हो गया तुम्हें, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? हाँ अरे मर गई तो मर गई ना, अपने रास्ते का एक और कांटा साफ हो गया। छोड़ो जाने दो। मैं तो बस ये कह रहा था कि उसको मारने की क्या जरूरत थी। सुरेखा, सुरेखा जी साथी। मानसी, एक आदमी आया था, मुझे मुझे और दीदी दीदी को। मानसी, मानसी मैं आ रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, अब क्या करेंगे? मैंने उस आदमी को पहली बार देखा था, वो एक अजीब सा आदमी था, और उसका एक दांत सादे का था, और उसके दाहिने कान में एक कटा हुआ सा निशान था। वो किचन के सिंक साफ कर रहा था और अचानक से उसने मुझ पे सर, मेरी वाइफ सुरेखा ने ही बुलाया होगा उसको, किचन के सिंक में पानी जमा होने लगा। हमें तो जांच करनी हो, और जिस तरह से आपकी वाइफ के गहने चोरी हुए हैं उसे देखकर तो ये किसी लूटपाट का मामला लगता है। देखिए जो होना था हो चुका, आपको आगे का सोचना होगा। पहाड़ जैसी जिंदगी खड़ी है आपके सामने, ऐसे में अकेले आपको बहुत मुश्किल होगा। मैं सोच रहा था अगर आप दूसरी शादी कर लें तो। नहीं नहीं पापा, सुरेखा की जगह आज भी मेरे दिल में उतनी, वो जगह कोई ले ही नहीं सकता। पर ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं, यश को देखिए, छोटा है, उसे भी तो माँ की जरूरत है। मैं यश के लिए सौतेली माँ लाने की सोच भी नहीं सकता। जरूरी नहीं कि हर सौतेली माँ बुरी ही। लड़की कहां मिलेगी जो यश को अपना बच्चा समझ कर पाए, उसे सुरेखा जैसा प्यार,
सुरेखा तो छोड़िए, मानसी जिस तरीके से ख्याल रखती है यश का, वैसा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। आप लोग मेरी शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। ये देखो, मैंने शादी की पूरी शॉपिंग कर ली है, और ये झुमके कैसे लग रहे हैं? अच्छे हैं। मैंने भी शॉपिंग की है हमारे लिए। सच? क्या लेके आए हो? जहर। जहर? क्यों? साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं ना। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मेरे सास ससुर मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अरे ये तो अच्छी बात है ना, तुम हाँ बोल दो। हाँ, पर वो मेरी शादी तुमसे नहीं, मेरी साली मानसी से करवाना चाहते हैं। तुम्हारी नीयत तो नहीं खराब हो गई? हाँ, तुम मना भी तो कर सकते थे, कोई जबरदस्ती थोड़ी करेगा तुम्हारे साथ। तुम शक कर रही हो मुझ पे? इससे प्यार का क्या फायदा, इसको भरोसा ही ना, इससे अच्छा तो मर जाना है। क्या कर रहे हो? मुझे तुम पे भरोसा है ना, लेकिन अब क्या करेंगे हम? अभी हमें एक दो महीने के लिए मिलना जुलना छोड़ना होगा, ताकि पुलिस वालों को भी शक ना हो हम पे। और मैं मानसी से कभी शादी नहीं करूंगा, विश्वास करो मेरा। मानसी बेटा, तुम यश की मासी थी और अब माँ हो गई हो। बेटा, तुम इसे इतना प्यार देना कि सुरेखा की कमी कभी महसूस ना हो इसे। चाची, यश को लेकर कहाँ जा रही हैं आप? चाची, नहीं, मैं यश के बिना नहीं रहूंगी। बेटा, आज तुम्हारी सुहाग रात है, आज इसे मैं अपने पास रखती हूँ। नहीं चाची, नहीं चाची। क्या हुआ? शादी हो चुकी है अब हमारी। ठीक नहीं, पति हूं तुम्हारा अब मैं, सुहागरात है हमारी आज। तुम्हें पता है ना सुहागरात कैसे होती है? हर आदमी औरत की एक जरूरत होती है ना? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बीवी हो अब तुम मेरी। इतनी रात को कौन आ गया भाई? अरे आ रहा हूं, आ रहा हूं। इतनी रात को कौन हो? कौन है? डॉक्टर साहब है क्या? इमरजेंसी है। रीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रीना, तुझे क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धोखा देगा? हाँ,
दामाद। विजय, इनको इनकी दामाद की असलियत तो बताओ। तुम्हारी बेटी को मरवाने वाला यही है। मुझसे शादी का झूठा वादा करके अपनी पत्नी का खून करवाया हमसे, और अब इस लड़की से शादी कर ली। तुझे तो नहीं छोड़ूंगी मैं। ये तीनों तो मरेंगे ही, लेकिन सबसे पहले तू मरेगा। तूने मेरा दिल तोड़ा, मुझे धोखा दिया है तूने। जैसे तूने मेरा दिल तोड़ा है ना, देख मैं तेरे दिल के कितने टुकड़े करती हूँ। इतना तड़पा तड़पा के मारूंगी ना, ये भी पता नहीं चलेगा कौन सा टुकड़ा कहाँ गिरा हुआ है। रीना, रीना, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इन लोगों ने फंसाया मुझे। ये क्या बोल रहे हैं दामाद जी? अरे बाहर में क्या दामाद, ये ना मैं सही कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें तो पता है मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था, इन लोगों ने फंसा दिया मुझे। जबरदस्ती की मेरे साथ कि इससे शादी कर लूँ। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने कहा ठीक है, कर लो जबरदस्ती, करा दो इससे शादी। जैसे सुरेखा को मरवाया वैसे वैसे इसको भी मरवाऊंगा। अच्छा, तू इसे मारना चाहता है? ठीक है जीजे, ये ले मार इसे, पकड़, मार मार इसे, वरना मैं तो जोड़ा दूंगी। हाँ चल चलो। यश, यश रोना, प्लीज मुझे उसके पास जाने दीजिए। उसके माँ बाप को जो करना है आप कर लीजिए, प्लीज मुझे यश के पास जाने दो। अच्छा ठीक है जा, लेकिन देखा कोई होशियारी नहीं। अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की ना, तो तेरे साथ उस बच्चे का भी नहीं, नहीं। चल चल जा। यश, ओ मेरा बच्चा। चल मार, मार से। चीचू, क्या आप सिर्फ इस रीना को साबित करने के लिए अपने सच्चे प्यार यानी कि मुझे मार देंगे? ए? क्या बकवास कर रही है तू? ए, चुप। तू बोल, बोल। रीना, देखा जाए ना तो यहाँ सबसे बड़ी बेवकूफ तो तुम बन गई। ये सारा प्लान मेरा और जीजू का था। मुझसे शादी करने के लिए ही उन्होंने तुम दोनों के हाथों सुरेखा दीदी को मरवा दिया, और फिर तुम्हें बेवकूफ बनाकर मुझसे शादी कर ली। रीना ये झूठ बोल रही है, गेम खेल रही है ये। गेम तो तुम खेल रहे हो। मुझे कुछ नहीं सुने। यश, ओ मैंने क्या करूं? हेलो इंस्पेक्टर साहब। चल। निशांत इस भ्रम में था कि वो सबको धोखा देकर चैन से अपनी मर्जी की जिंदगी जिएगा, लेकिन यही भ्रम उसकी दुर्गति का कारण बना, और वो इस दुर्गति का हकदार भी है। लेकिन एक मासूम बच्चा जो इस अपराध में अपनी मां को हमेशा के लिए खो चुका है, वो इस दुख का हकदार नहीं था। हवस में अंधे हो चुके इस नीच आदमी ने अपने बच्चे तक को नहीं छोड़ा। पत्नी को मारने वाला शख्स प्रेमिका को बख्श देगा, ये सोचना रीना की भारी भूल थी।
आज हत्या के आरोप में निशांत के साथ रीना और उसके जीजा तीनों गिरफ्तार हैं। गलत इंसान पर विश्वास करना रीना को हत्या जैसे जघन्य अपराध में बराबर का अपराधी बना लिया। जो चीज आंखों के बहुत करीब होती है वो साफ साफ दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि मानसी और सुरेखा निशांत को पहचानने में चूक गए। भरोसे को परखना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब एक बार भरोसा टूट चुका हो। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।